जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओम जो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि दोस्तों, आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देना हमारी पहली प्राथमिकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। उसी कड़ी में हम आपकी राशि के लिए आपके लिए बात करेंगे शादी के उपायों की। शादी में कई उपाय कर चुके हैं, जो मैंने उपाय बताए वो करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी है आपको शादी के संबंधित, शादी को बचाना चाहते हैं, बहुत से परिवारों में, बहुत सी रिश्तों में शादी जो है थोड़ा तकलीफ़ में चल रहा होगा, तो उन सभी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, इन उपायों को देखने के बाद आपकी शादी भी होगी और जो भी आपकी परेशानी उनका हल बिल्कुल होगा। सबसे पहली बात और मुख्य बात कहने से पहले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, करना ये है आपको, हर शनिवार एक लोटे में जल लीजिएगा और जो आपकी इच्छा से, जितना आप अफोर्ड कर पाए, जितना आप कर पाते हैं उतना दूध ले लीजिएगा। चाहे 50 ग्राम ले ले, 20 ग्राम, 100 ग्राम दूध लेना है आपको। जल सबसे पहले चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद आपको दूध चढ़ाना है। याद रहे, जल दूध दोनों सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन चढ़ाना है आपको। कंटिन्यू 5 शनिवार तक इस चीज़ को बिल्कुल करना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इस तरह से आप करते रहें। दूध में हल्दी मिला सकते हैं, पानी में हल्दी मिला सकते हैं, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। और पीपल को टच ज़रूर करें, मतलब छुएं ज़रूर। और जो भी आपके मन में, जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी चाह है, वो आप पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा के पूर्वक रख दीजिए। दोस्तों, मुझे यकीन है जहाँ तक बहुत से लोगों को मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 शनिवार में आपको फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा भी सामान्य नहीं होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और सकारात्मक परिवर्तन मैं यूँ कह सकता हूँ एक मोटे तौर पर। तो निवेदन है मुझे आप सभी से कि आप ये सभी उपाय करेंगे, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद कई लोगों को फ़ायदा हुआ है और आपको भी फ़ायदा होगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि इसे आप करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों फ़ायदा होने के बाद ज़रूर बताएं कितना फ़ायदा हुआ, कैसे हुआ। और बस यूं ही आप मुस्कुराते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जय श्री महाकाल कमेंट्स में लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।